हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट्स में। तो दोस्तों, आज की स्पीडो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीके के 15 क्वेश्चन का चैलेंजिंग टेस्ट। तो दोस्तों, देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, सांख दर्शन के प्रवर्तक कौन है। दोस्तों, आपको इन्हें सॉल्व करने के लिए 2 सेकेंड का समय दिया जाएगा। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गौतम, ऑप्शन बी जेमिनी, ऑप्शन सी कपिल, ऑप्शन डी चाबार्क। सांख दर्शन के प्रवर्तक कपिल है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी कपिल, ऑप्शन सी गौतम, ऑप्शन डी उलूक। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, चाबार्क दर्शन के प्रवर्तक कौन है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी कपिल, ऑप्शन सी जेमिनी, ऑप्शन डी चाबार्क। चाबार्क दर्शन के प्रवर्तक चाबार्क है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए जेमिनी, ऑप्शन बी कड़ाद, ऑप्शन सी गौतम, ऑप्शन डी पतंजलि। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है। आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए जेमिनी, ऑप्शन बी बादरायण, ऑप्शन सी गौतम, ऑप्शन डी कपिल। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जेमिनी है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है। आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए बादरायण, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी कपिल, ऑप्शन डी गौतम। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक बादरायण है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन ए कणाद या उलूक, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी कपिल, ऑप्शन डी गौतम। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद व उलूक है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी अजातशत्रु। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी। आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंदुसार। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है। आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए पाणिनी, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनी है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी पिलनी, ऑप्शन सी टॉलमी, ऑप्शन डी हेरोडोटस। भारत का भूगोल नामक पुस्तक टॉलमी ने लिखी है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी टेरियस, ऑप्शन सी तारानाथ, ऑप्शन डी मार्को पोलो। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी पिलनी, ऑप्शन डी समुद्र गुप्त। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।